आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, हमें दिया है सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, अनंतर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है और दूरी कौन सी होनी चाहिए न्यूनतम रास्ते के आधार पर? तो क्वेश्चन को करने से पहले दिशा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दिशा में अगर ऊपर की तो बात की जाए तो ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, दाएं तरफ पूर्व होगा, बाएं तरफ पश्चिम होगा। अब क्वेश्चन के अंदर देखें तो क्वेश्चन ने कहा है कि सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। मान लो सीता यहाँ है तो सीता यहाँ इस पॉइंट से 1 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलेगी और फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। अब इस पॉइंट से दाहिने की बात करें तो दाहिना कहाँ होगा, नीचे दक्षिण की तरफ होगा। कितना चली है, 1 किलोमीटर फिर से चली है दाहिने तरफ। उसके बाद बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से वह बाएं मुड़ी है तो बायां किस तरफ होगा, पूर्व दिशा की तरफ होगा और कितना चली है, 2 किलोमीटर चली है। अनंतर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ेगी और 5 किलोमीटर चलेगी। तो इस पॉइंट से अगर बाएं की बात करें तो किस तरफ होगा, उत्तर दिशा की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये ऊपर की तरफ कितना चली है, 5 किलोमीटर चली है। तो सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से कुल कितनी दूरी पर है और दूरी कौन सी होनी चाहिए न्यूनतम रास्ते के आधार पर? तो यहाँ से देखें अगर तो प्रारंभिक बिंदु ये था इसका और अंतिम बिंदु ये रहा, तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो न्यूनतम दूरी निकालने से पहले इसके अंदर एक अपने क्या त्रिभुज बनाते हैं, जो कौन सा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो मैं इस भुजा को आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो ये अपने पास एक त्रिभुज बन चुका है यहाँ से ये, जिसके अंदर अपने को ये वाली डिस्टेंस है वो निकालनी है और अपने को बाकी की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है। तो अगर देखें इसके अंदर ये 2 किलोमीटर था तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। ये 1 किलोमीटर था, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। यानी ये अगर पूरे की बात करें तो ये पूरा 3 किलोमीटर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार आ जाएगा 3 किलोमीटर। इस पूरे की बात करें तो ये पूरा था 5 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहां से लेकर ये भी 1 किलोमीटर होगा। और अगर इस डिस्टेंस की बात करें यहां तक, तो ये कितनी आ जाएगी, 5 - 1 = 4 किलोमीटर आ जाएगी। तो ये यहां से लेकर यहां तक कितनी हो गई, 4 किलोमीटर हो गई। तो समकोण त्रिभुज के अंदर अगर 2 भुजाएं दी हुई हैं और तीसरी भुजा निकालनी है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाते हैं, जो कौन सा होता है, करण बराबर अंडर रूट के अंदर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार अपने को दिया हुआ है 3 किलोमीटर तो 3 का स्क्वायर, लंब दिया हुआ है 4 किलोमीटर तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर 9 में 16 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा और जब 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाएगा। और 5 किलोमीटर ही क्या है, इस भुजा की लंबाई आएगी। तो अपने 5 किलोमीटर कौन से ऑप्शन पर है, 3 नंबर, तो 3 नंबर ये बिल्कुल सही आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।